ठीक है आतिफ खान साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं टॉस के बाद। मैंने कहा था ना टॉस इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, शाहीन ने पहला ओवर का प्रॉमिस कर दिया, मैंने टॉस का प्रॉमिस पूरी कर दी है, अब हमारी टीम के ऊपर है उनकी वो पूरी करें। सोहेल ने जो पॉइंट उठाया ना, देखें इसमें हमारी जो माइंडसेट है, जो हमारी अप्रोच है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करे। टॉस जीत के आप बॉलिंग कर रहे हैं इसलिए हम इनको कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, एक ही तरीका है, वो आप विकेट लें। जो कंडीशंस भी आपको मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो आपकी अप्रोच होगी ना, कि अगर हमने 20 ओवर गुजारने के लिए, तो उनकी बैटिंग ऐसी है कि ऊपर से उनके आउट ना हुए तो यू नो बाद में डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है उनके पास आखिर में, कि जो आखिर में जाके ना 50-60 रन आपको एक्स्ट्रा वो कर देंगे। तो हमें अप्रोच माइंडसेट यही है जी कि हमने इनको 15 ओवर से पहले पहले ऑल आउट करने की तरफ, 15 ओवर से पहले पहले। हाँ, अभी तो आप एवरेज देखें, जहाँ पे तो 12-12 ओवर नहीं टीमें खेल रही हैं। हाँ। तो जो क्वालिटी हमारी बॉलिंग की है, अगर हम इस माइंडसेट के से जाएंगे कि नो राइट एरियाज में बॉल करें और जो फील्डिंग है उससे हम अटैक करें। शाहीन का कमाल आज काम आएगा। तो आप कैसे एंजॉय करते हैं, वैसे कैसे महसूस होते हैं शाहीन की बॉलिंग से, क्योंकि बड़ी तवक्कात होती है जाहिर है शाहीन से। हम देख रहे थे कुछ वीडियो भी चल रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें इंडियन क्रिकेट फैंस आए थे, उन्होंने कहा था हाथ हौला रखिएगा शाहीन से, स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी। मैं तो कहता हूँ अगर 15 ओवर तक उन्होंने आउट ना किया तो विकेट लेके दौड़ जाए, नसीम भाई ने कह दिया था कि 15 ओवर में आउट कर दो। नहीं, बात एक राजी है, मुदीपा हमारे साथ हैं। मुझे याद है कि जब हमारा पहला सीजन था और हमारी टीम में इमर्जिंग कैटेगरी में एक 29 साल के थे और एक 31 साल के थे, और एक इमर्जिंग मस्ट खेलता था, तो हम एक्चुअली 10 प्लेयर से खेल रहे होते थे। वो इतने कम्पेटिटिव नहीं थे। सो फिर हमने यही सोचा कि यार इस मुल्क में तो टैलेंट है, अब टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन मुदीपा से बेहतर कौन कर सकता था। सो मुदीपा को रिक्वेस्ट करके हम फिर अपना आइकॉन लेके आए और फिर हमने वो प्लेयर डेवलपमेंट का सफ़र शुरू किया, जहाँ पे मुदीपा की एक तारीखी स्टेटमेंट है कि वसीम जैसे बॉलर तो दोबारा नहीं आएंगे, वकार जैसे नहीं आएंगे, लेकिन शायद हम उनसे बेहतर या उनके लेवल के हम ढूंढ सकें। और फिर आज जो शाहीन का आपने जिक्र किया, अगर ये मुदीपा ना आते, हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू ना करते, तो ना शाहीन होता, ना हारिस होता, ना फ़खर होता, और एक लंबी लिस्ट है। सो ऑब्वियसली शाहीन का हमें इतना पता है कि वो उसका जो प्रोफेशन है वो उसका पैशन है, और जब आप अपने प्रोफेशन में अपना पैशन लेके आते हो तो आहार जो है ना वो आपसे काफी दूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइटर नोट पे मेरे जहन में एक चीज आ रही है, दो चीजों की मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो क्या? एक जो पिछले मैच में हमने देखा कि हारिस नसीम से बैटिंग करने पहले कैसे आ गए, कि नसीम ने बैटिंग में मैचेस जिताए हुए हैं, दूसरा जरा वो पट्टी सिकंदर रजा से पहले बैटिंग करने कैसे ये दो चीजें याद रखिए। मेरी बात बात ये है कि ये काम जो है ना, ऑब्वियसली जो वहाँ कोचेस बैठे हैं उन्हीं का है, हमारे पास भी हमारे फ्लाइंग कोच इस वक्त श्रीलंका में वापस आते हैं तो पूछ लेना। अच्छा अली, फील्डिंग की बात हो रही है, बड़ा इम्पोर्टेंट ये डिस्कशन भी है, शाहीन के कमाल का सब इंतजार कर रहे हैं, क्या तवक्कात रखते हैं अब, चूंकि टॉस तो हम जीत चुके हैं, बहुत हद तक हमें लग रहा है ये मैच अब हमारे हाथ में है, और 15 ओवर्स वाली डेमो तो आपने पहले ही बता दिया, 15 ओवर्स वाली जो बात की है वसीम साहब ने, जी बिल्कुल, शाहीन का रोल जो है वो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अर्ली ऑन वो जब भी हमें एक दो ब्रेक थ्रू लेके देते हैं अपने पहले दो ओवर्स में, उसके बाद जो है किसी भी टीम के लिए अगर वो पावर प्ले में 2-3 विकेटें गंवा देती है तो उनके लिए कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बात वही है कि अपने आप को अच्छे तरीके से, शाहीन जिस तरह की वहाँ पे कंडीशंस है, ओवरकास्ट कंडीशंस है और पिच से ज़रूर उन्हें हेल्प मिलेगी। तो अगर जो हम पिछले मैच में अच्छा नहीं कर पाए, अगर इस मैच में अच्छा करें और कॉन्टीन्यूसली एक ही जगह को टारगेट करें, तो जो है वो ये जो कंडीशंस हैं ओवरकास्ट कंडीशंस वो जरूर हमारी फेवर, उसको फायदा उससे फायदा उठाना चाहिए। मेलसी से कमर खालिद इस वक्त लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहते हैं? मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इब्रार को हम लेकर गए हुए हैं पाकिस्तान टीम में, तो साथ तो वो एक नया बॉलर है, तो उसे हम क्यों नहीं इंडिया के मैच में हमने उसे खिलाया? इब्रार को इंडिया को इब्रार को आपका सवाल है कि क्यों नहीं खिलाया? बहुत शुक्रिया आपका कमर खालिद साहब। इब्रार को क्यों नहीं खिलाया जा रहा मोहम्मद वसीम साहब, और ये सवाल अभी बाकी है कि सुहेल तनवीर के साथ आपने क्यों नहीं, अगर आप थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल इस पर वक्फा लेते हैं, वक्फा नहीं लेना, नहीं लेते, कहते कॉल्स बहुत आ रही है, वक्फा ना लें, पूछ ले कमर खालिद साहब। वसीम भाई तो भट्टी पे फंसे हुए हैं, अगर आप देखते हैं इस पिच की देखते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक्स्ट्रा स्पिनर यहाँ पे नहीं बनता, आप अपने बेस्ट स्पिनर के साथ जाने की कोशिश करते हैं और आइडियली एक्सपीरियंस के साथ, तो इस मैच में तो नहीं बनता था।
और दूसरा अगर ये कंडीशंस होते भी ना तो फिर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने जो पिछली सीरीज हुई है उसके अंदर आपने कितना कंसिस्टेंटली एक बच्चे को चांस दिया है, क्योंकि एक बच्चे को आपने डायरेक्ट लेके गए हैं, उसको दो तीन चार मैचेस आपने खिलाए हैं पूरे साल के अंदर, थक करके इंडिया के मैच में डालने पर जाओ बेटा हमें मैच जिता के दे, और आई थिंक इट्स अ ह्यूज आस्क, क्योंकि यू कुड फील द प्रेशर कि अभी शाहीन की बात हो रही है, देखिए शाहीन कि एक्सपेक्टेशंस कितनी ज़्यादा है, आप शाहीन की बात कर रही हैं, पूरी दुनिया शाहीन की बात करते हैं, और जब हम टीवी से जुड़े होते हैं या स्टेडियम में होते हैं कि शाहीन पहले ओवर में आउट करेगा ही करेगा, जिस मैच में वो पहले ओवर में आउट नहीं करता तो जस्ट इमेजिन को शाहीन के ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, तो ये प्रेशर हैंडलिंग जिसकी अच्छी होती है इसलिए उसको एडवांटेज होता है, तो इस मैच में तो स्पिनर का नहीं बनता था, तो मेरे ख्याल में आगे चल के जब वेस्ट इंडीज़ के अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह अगर हम सुपर एट में जब आएंगे तो वहाँ पे कंडीशंस आएंगी जहाँ पे आपको दो दो स्पिनर चाहिए होंगे, क्योंकि एट द मोमेंट शादाब एज अ स्पिनर मेरा नहीं ख्याल है कि वो खेल रहे हैं, वो अपनी बैटिंग के सर पर खेल रहे हैं, तो अगर आपने आगे शादाब को खिलाना भी है और सेकंड स्पिनर आपको चाहिए तो फिर आप इब्रार की इब्रार मतलब अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में जाएगा तो फिर हम नज़र आएंगे वो खेलते हुए नजर आएंगे खेलते हुए, हम भी नजर आना है हमें, ब्रेक के बाद ले लेते हैं, नहीं चले जी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़, और न्यूयॉर्क में तो बारिश की जो आंख मचोली है वो जारी है, बहुत सारी तवक्कोआत भी है मैच से, लेकिन तवक्कोआत तो तब वापस ओके बारिश रुक चुकी है, ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है, और 8:20 पे मैच का आगाज होने जा रहा है, तो चलिए एक अच्छी खबर ये भी सामने आ गई है, हम बहुत सारी कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे कि क्या किस कंडीशन का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, तो अब शहरों में क्या सूरत हाल है, क्योंकि इमरान मुझे याद है कि हाई वोल्टेज टाकरा जब भी होता है पाक भारत मैच की बात होती है तो बड़ी स्क्रीन का बड़ा एक शोर चलता है, बैठक लगी होती है ना, जैसे यहां पर तो हुज़ैफ़ा की जानिब चलते हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और क्या वहाँ पर शहर कैद के बासियों के तासुरात हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि हुज़ैफ़ा आपका अकब बता रहा है कि बहुत बड़ी तादाद शहरियों की पहुंची है, आप मेरे ख्याल है किसी यूनिवर्सिटी के वेन्यू पर मौजूद हैं, तो बताइएगा बड़ी स्क्रीन जो लगाई गई है, शायकी ने क्रिकेट क्या कहते हैं, किस खिलाड़ी को पसंद कर रहे हैं और किस खिलाड़ी से ज़्यादा तवक्को आते हैं हुज़ैफ़ा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की कि पाक भारत मैच है और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ऑल तो बारिश ने थोड़ा मामला ख़राब कर दिया, लेकिन पुरजोश है कि थोड़ी देर बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा, और कराची में हमेशा खासर है जब भी बड़े मैचेस होते हैं तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाती हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो साथ अपने एक जगह जमा होते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अल्ला गुल्ला करते हैं, मैच भी इंजॉय करते हैं, तो मैं खुद ही ले चलता हूँ आपको, यही आपको बताएंगी क्या एक्साइटमेंट है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कैसी तैयारी है? Okay, it's exciting, of course. This is like the biggest word we have to say. But I'm very skeptical that match delay na ho, aur kyunki I don't want overs to get less. Acha, player aapko koi pasand hoga jo aapko lagta hai ki aaj ka match jo hai wo jita sakta hai? Yeah, I actually like Babar Azam a lot, so I hope he gets runs a lot for us. And that's it. Pehle bowling kar rahe hain Shaheen ne, Aamir ne kya karna hai samne? Aamir. For all the time, Aamir. ठीक है, आपने सुना भाई आमिर के सपोर्टर है, बाबर आजम के सपोर्टर है, क्योंकि लकीली हमें बॉलिंग मिल गई है, तो अब पूरी एक्साइटमेंट ये है कि ऊपर से जैसे पहले करते रहे मोहम्मद आमिर ने कोहली को आउट किया है, शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को आउट किया है, तो वही दोबारा दोहराएं और न्यूयॉर्क स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान फ्लाइंग स्टार्ट करें, तो ये जो फैंस है ये भी इसी तरीके से चीयर करेंगे, इंजॉय करेंगे, अल्ला गुल्ला करेंगे, ताकि पूरा मैच इसी तरीके से चलता रहे, पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आए, जीते, और वर्ल्ड कप के अंदर जो है मेरे कैमरामैन आपको इम्तियाज अली यहाँ पे मनाजिर भी दिखा सकते हैं कि झंडे उठा लिए, बस इंतजार कर रहे हैं कि मैच दोबारा से शुरू हो और पाकिस्तान टीम को इसी तरीके से चीयर करें जैसे चीयर करते आए। बिल्कुल हुज़ैफ़ा, हमारी भी यही दुआएं हैं, यही तमन्नाएं हैं टीम पाकिस्तान के साथ,